सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। अगर आप भी अपना फोन पे से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हो तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। कोई भी क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, चाहे वन कार्ड हो, एसबीआई कार्ड हो, एचडीएफसी कार्ड हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आप सभी का जो है बिल बहुत ही आसानी से यहाँ से फोन पे से आप बिल पे कर सकते हो। तो कैसे करना है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना फोन पे को ओपन कर लेना है। जैसे फोन पे को ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है जो कि दोस्तों आपको करना बहुत ही आवश्यक है। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको समझने लगेगा। तो दोस्तों आपको करना है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो है दो क्रेडिट कार्ड है, एक HDFC का और यहाँ पे एक वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना। तो अभी मेरा HDFC के क्रेडिट कार्ड पे बिल पे करना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ HDFC क्रेडिट कार्ड का बिल जो है कितना जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मैं चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर HDFC क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ चेक बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 42,000 का लिमिट दिया है, लेकिन दोस्तों उसमें से मैंने 5,000 जो है यहाँ पर 4,986 रुपये का जो है मैं यहाँ पर यूज कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास अवेलेबल बैलेंस जो है 37,000 है, ठीक है ना। तो मुझे ये 4,986 रुपये जो है यहाँ पर मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है अभी मैं कम ही पे करूँगा, जैसे 4,986 है तो मैं 2,000 ही पे करूँगा। लेकिन याद रखना टाइम से पहले जो भी आपका ये है उससे पहले आपको यहाँ पर फुल पे कर देना होता है, ठीक है ना। तो मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए मैं जो है पहले यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड का पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूँगा एंड जैसे क्रेडिट कार्ड पर पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब दोस्तों आपको करना है कि यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्रेडिट कार्ड का नंबर कॉपी कर रखा है तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर वैलिड डेट मांग रहा है तो वैलिड डेट आपको डाल देना है। उसके बाद CVV जो भी है पहले आपको जो है अपने उस पर देख लेना है CVV कितना है। तो CVV 031 है तो मैं यहाँ पे प्रोसेड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रोसेड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंटर बिल अमाउंट का रहता है देने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पर अभी 2,000 ही पे करना है तो मैं प्रोसेड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो भी है मेरे यहाँ पर फोन पे से अगर करोगे तो आपका जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज यहाँ पे ले रहा है, आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म फी 1 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो भी है मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं 2,000 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं पे कर दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पे हो जाएगा लेकिन ये जो है आपको जो है 24 घंटे के बाद अपडेट देगा। तो यहाँ से ना दोस्तों आप इसे सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना। अपना क्रेडिट कार्ड नंबर को यहाँ पे सेव कर सकते हो वैलिड डेट और CVV देके। बाद में क्या होगा आपको बार बार जो है यहाँ पर जो है कोई भी क्रेडिट जब भी आप पेमेंट करोगे आपको यहाँ पर अगेन बाय अगेन यहाँ पर आपको सेव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्रेडिट कार्ड नंबर से फिल नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही बार यहाँ पर डाल देना है जो भी आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर पेमेंट आ जाएगा, वहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है आपका ये अपडेट नहीं दिया होगा, ये 24 घंटे के बाद अपडेट देता है। अभी जो है ड्यूज आप में उतना ही दिखेगा लेकिन 24 घंटे के बाद अपडेट होकर जितना भी आपने पे कर दिया है वो यहाँ पर जो है मैनस होकर आपका जो है वहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपना क्रेडिट कार्ड नंबर ताकि मुझे यहाँ पर बार बार सेव ना करना पड़े। फिर मैं आपको चेक बैलेंस पर भी क्लिक करके दिखा दूंगा ये अपडेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पर सेव कर चुका हूँ। इसे जो है बस सेव करने के बाद जो है अपने को फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले ये अपना सेव होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा क्रेडिट कार्ड जो मैंने सेव कर रखा था अभी ये अपना सेव कर लिया है, अब मुझे यहाँ पर बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो कितना बचा है, ठीक है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ चेक बैलेंस पे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ एंड जो भी है यहाँ पर मैं अपना ये कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जितना बैलेंस मेरा पहले शो करता होगा उतना ही बैलेंस अभी भी शो करेगा क्योंकि ये जो है जनरेट जो है अभी इसमें से मेरा 2,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो जल्द कर देना एंड टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाना, नीचे में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा।